जो अरुण शर्मा जी की बुक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट, ठीक है। और ये DI की स्पेशल बुक आती है अरुण शर्मा जी की, तो ये मेरे पास 5th एडिशन है। मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि ये कैसी बुक है और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी जो DI जिसमें पूछे जाते हैं उनके लिए कैसे सही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली, कैट के लिए नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है, तो अंदर से दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ मैं, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें पहले तो ये है डाटा इंटरप्रिटेशन ओवरव्यू कि व्हाट इज़ डाटा, एकदम बेसिक से शुरू कर रखा है, ठीक है। उसके टेबल्स के ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन है, फिर बार चार्ट के ऊपर है, XY चार्ट, फिर पाई चार्ट, फिर जो कैसलेट आते हैं बैंक में खासकर मेंस एग्जामिनेशन में, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और रेलवे एग्जाम्स में जो TI आती है, CGL में जो आती है उसके लिए भी। बाकी कैलकुलेशन के ऊपर ही पूरा एक अलग से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आइडियाज़, ट्रिक्स वगैरह मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, डिवीजन सब, परसेंटेज इन सब के लिए ढंग से थ्योरेटिकल वाइज सब कुछ दे रखा है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से DI एक्सरसाइज विदाउट ऑप्शंस, ठीक है। सबसे जो इसमें अच्छी चीज़ लगी मुझे ये थी कि हाउ टू थिंक इन DI डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज चीज़ों को बता रखा है। उसके बाद 20 10 10 10 मिनट टेस्ट पेपर्स है। सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है, इतना अगर बंदा स्टेप वाइज चलेगा तो बहुत सही रहेगा इसमें। उसके बाद अपने हिसाब से जो टेस्ट हैं वो लगाते जाएँ, ये सारे लेटेस्ट पैटर्न कैट के ऊपर है, पर बैंकिंग एग्ज़ाम में जो मेंस के एग्ज़ाम्स में DI आता है उसके सबसे बहुत सही लगा मेरे को, और आपके DI के कंसेप्ट को भी सही करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी है, बाकी आप देख सकते हो पेज की क्वालिटी भी वगैरह सब सही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।